नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आशा है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबको इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे लोसर के बाद का पर्व, जिसे पुनासिंग कहा जाता है। ये दो दिवसीय पर्व है। पहला दिन जो है शीतसु पुनासिंग कहलाता है। लोसर के बाद सोनिश कोलसंग में, यानी कि 12वें चांद में, हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली सोनिश कोलसंग में किला तथा यहाँ के जितने भी छोटे बड़े थानंग जो हैं वहाँ पर कपाट बंद कर दिए जाते हैं, देव कपाट। तो उसके बाद जो है पुनासिंग मनाया जाता है। पहले शीतसु पुनासिंग होता है, क्योंकि सोंगा कोलसंग यानी कि 15वें चांद में गुरु कुलदेव सिंह का कपाट बंद होगा। उससे पहले जो है मृतक परिवारों के से मृतकों के लिए शोक पुलमिक या फिर माने इत्यादि का किया जाता है, श्राद्ध टाइप का किया जाता है, जिसे शीतसु पुनासिंग बोला जाता है, जो आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। शीतसु पुनासिंग में जिस घर में डेथ हुई है उस घर में शोक इत्यादि बनता है और उसको सामूहिक जगह पे शोक पुलमिक इत्यादि किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार से है। वीडियो में बने रहें लास्ट तक, थैंक यू। देवता और मीशु के 24 दिवसीय सुरक प्रवास से पहले पहले मृतक लोगों को भी हमें बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंगली उतारना पड़ता है, तो ये इसलिए मनाया जाता है। Oh.